वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो एपोमिक्सिस में हमें फ्रूट्स बन रहे हैं विद सीड, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है ये है कि डज नॉट इन्वॉल्व द मियोसिस, जिसमें मियोसिस नहीं होता है, एंड देयर इज अ नो स्कोप फॉर द सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन इन द क्रोमोसोम। अभी मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में हमें पता है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में फाइव स्टेप्स होते हैं। तो वो प्रोफेज फर्स्ट में जनरली रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, फिर क्रॉसिंग ओवर होके रिकॉम्बिनेशन होके न्यू वैरायटी बनती है ना। तो अभी जरूरी नहीं है एक बार हाइब्रिड वैरायटी बन गई है उस दोबारा वापस से हाइब्रिड वैरायटी बनाना। अभी एक हाइब्रिड वैरायटी बन गई है जिसकी जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी वो सीड में ज्यादा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट शॉर्ट टाइम में वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। उसके बाद वो डिसीज रेजिस्टेंस है और एडाप्टिव एनवायरमेंटल कंडीशन में वो एडाप्टिव भी है। सारे फीचर जो है वो सीड में आ गए, तो वो हम हाइब्रिड सीड बोलते हैं उसको। अभी वो हाइब्रिड सीड को हम क्या करेंगे, मार्केट से कलेक्ट करेंगे उसको, मतलब परचेस करेंगे, और फिर वो एज अ सोर्स ऑफ सीड का सोर्स करके एग्रीकल्चर में यूज करेंगे। अभी वो हाइब्रिड सीड को हम यदि मतलब क्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं, तो उससे जो भी न्यू प्लांट्स बनेंगे, वो न्यू प्लांट्स में जो वैरायटी रहेंगी, उसके जो कैरेक्टर्स रहेंगे, वो हाइब्रिड सीड के अंदर चाहिए वो रहेंगे, ठीक है। लेकिन दोबारा रिपीटेड टाइम यदि वो हाइब्रिड वैरायटी बनाना पड़ेगा, तो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि हर टाइम क्या होगा, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, और हो सकता है जेनेटिक मटेरियल का यदि एक्सचेंज होता है, तो जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर है वो हाइब्रिड सीड के, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और कुछ जनरेशन के टाइम पे वो जनरेशन के टाइम के बाद लॉस भी हो सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल प्रोसेस नहीं है हर बार हाइब्रिड सीड बनाना। तो एक बार यदि हाइब्रिड सीड बन जाए, फिर वो हाइब्रिड सीड को यदि हम एपोमिक्सिस से क्या करेंगे, क्योंकि एपोमिक्सिस में तो फ्यूजन भी नहीं है, मियोसिस भी नहीं है और फ्यूजन भी नहीं है, तो इसमें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उससे ही सीड्स बनते हैं। तो जो हाइब्रिड सीड बनेंगे, वो हाइब्रिड सीड को यदि हम एपोमिक्सिस से उसकी वैरायटी यदि बनाएंगे, उसका ही प्रोडक्टिविटी हम, मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब उससे ही बनाएंगे, हाइब्रिड सीड से यदि हम न्यू सीड्स बनाएंगे। देखो ये है हाइब्रिड सीड हमारे बन गए, जिसमें सारे डिजायरेबल कैरेक्टर है, हाई प्रोडक्टिविटी है, लो टाइम में वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाता है, डिसीज रेजिस्टेंस है, एनवायरमेंटल कंडीशन को वो सस्टेन भी करता है, एडाप्टिव भी है, ये सारी चीजें हाइब्रिड सीड में है। यदि ये हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन हम एपोमिक्टिकली करें, एपोमिक्सिस से, क्योंकि जिसमें न मियोसिस होगा नो फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो भी कैरेक्टर्स ये हाइब्रिड सीड में होंगे, वही सारे कैरेक्टर ये जो भी इससे जो सीड्स बनेंगे, ये सीड से जो बनेंगे सेम रहेंगे, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्ट रहता है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है हमारा, ये पेरेंट सपोज कंसिडर करेंगे, इससे ये प्रोडक्ट बना, तो दैट प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, पेरेंट जैसे होगा उसके जैसे ही रहेगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेगा, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में हमें पता है पेरेंट से जो भी ऑस्प्रिंग्स बनते हैं, ऑल आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि उसमें असेक्सुअल से बन रहा है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, नो फ्यूजन है, नो फर्टिलाइजेशन है, नो मियोसिस है, कुछ भी नहीं है, मियोसिस ही नहीं है, तो जो कैरेक्टर्स है इसके अंदर के, ये सेग्रीगेट होंगे क्या, नहीं होंगे, सेग्रीगेशन नहीं होगा, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, कोई भी कैरेक्टर सेपरेट नहीं होगा, न्यू कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, और जो उसके अंदर के डिजायरेबल कैरेक्टर है वो डिलीट नहीं होंगे। तो इसमें जो भी कैरेक्टर से इम्पोर्टेंट डिजायरेबल कैरेक्टर, वो सारे के सारे मेंटेन हो सकते हैं प्रोडक्ट में, यदि वो सीड को हम एपोमिक्सिस से बनाएंगे। तो ये प्रोसेस एपोमिक्सिस से यदि बनाएंगे, तो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिबल है, इजी है, फिर इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल, फिजिबल, और उसकी वजह से जो भी कैरेक्टर्स है डिजायरेबल कैरेक्टर्स, वो मेंटेन रह सकते हैं, वो लॉस नहीं होंगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस। तो डज नॉट इन्वॉल्व द मियोसिस,
There is a no scope for the segregation, recombination of the gene in chromosome, and it only useful for the preservation of the desirable character for indefinite period. इससे बनेंगे ये हाइब्रिड सीड से नेक्स्ट जनरेशन में सीड्स, उससे नेक्स्ट जनरेशन में, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन हम जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर है वो मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा है तो कैरेक्टर सेपरेट नहीं होंगे, कोई भी न्यू कैरेक्टर ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक बार हाइब्रिड सीड बन गई है तो जरूरी नहीं है कि हर बार हाइब्रिड सीड बनाना, क्योंकि हर बार हाइब्रिड सीड बनाने के लिए उतने ज्यादा प्रोसेसेस भी करनी पड़ती है, उसमें ज्यादा खर्चा भी होता है, और वो फार्मर के लिए इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है कि हर बार हाइब्रिड सीड को वो परचेस करे मार्केट से। एक बार हाइब्रिड सीड बन गया, वो हाइब्रिड सीड यदि वो क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा, तो उससे जो भी सीड्स बने मिलेंगे वो प्लांट से, वो डायरेक्टली प्लांट के सीड वो यूज कर सकता है नेक्स्ट फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज है कि दिस इज ओनली यूजफुल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर इनडिफिनाइट पीरियड, देन इट हैज नो रोल इन इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। अभी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, एक्सचेंज नहीं है, तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, तो वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, नो रोल। तो एपोमिक्सिस का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि एपोमिक्सिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि मियोसिस नहीं होता है, इसलिए द एपोमिक्सिस हैज नो रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद एपोमिक्टिकली प्रोड्यूस जो प्लांट्स रहेंगे, ये सीड से जो भी प्लांट्स बनेंगे, दैट प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द फीमेल पेरेंट। ये जो इससे प्लांट्स बनेंगे, ये सीड से, ये प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, क्योंकि असेक्सुअल से बने हैं इसलिए। एंड हेल्प इन द कमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस है एपोमिक्सिस का, कि कमर्शियल, यदि हम कमर्शियली सीड को प्रोड्यूस करना है तो एपोमिक्सिस इज द फिजिकल फिजिबल प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सीड। सीड को कमर्शियली यदि लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है तो मोस्ट फिजिबल एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स ऑफ, मतलब की इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस। अभी आपके एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी हुई है, तो जो भी हाइब्रिड्स वैरायटी बनती है, सेवरल ऑफ अवर फूड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड हाइब्रिड वैरायटी। जैसे कि हमें पता है अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ऐसे वैरायटी आ रही है कि एक ही प्लांट पे बहुत ज्यादा फ्रूट्स डेवलप होना। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्टिविटी, इन शॉर्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कंटिन्यूसली हाइब्रिड सीड्स बना रहे हैं, और शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड में ज्यादा फ्रूट्स वो प्लांट्स को आने चाहिए, तो इस तरीके से सीड्स बन रहे हैं, एंड दैट सीड इज नोन एज हाइब्रिड सीड और हाइब्रिड वैरायटी। द कल्टीवेशन ऑफ द हाइब्रिड्स हैज अ ट्रिमेंडसली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट द हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। हाइब्रिड सीड को क्या है, एवरी ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं हम, क्योंकि देखो अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेकिन एटमोस्फेरिक कंडीशन हमेशा एक जैसे नहीं रहती है, तो कम टेम्प मतलब ज्यादा टेम्परेचर में भी होना चाहिए, कम वाटर लेवल में भी मॉइस्चर कंटेंट कम है, फिर भी उसको प्रोडक्टिविटी ज्यादा आनी चाहिए, तो इसके वजह से हर साल हमें हाइब्रिड वैरायटी बनाना पड़ता है, तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम बोल सकते हैं हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन का। इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोल्ड, हाइब्रिड से यदि हमने कुछ सीड्स कलेक्ट किए फिर उसको हमने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट। अभी वो जो हाइब्रिड से जो सीड्स है, वो सीड्स यदि हम यूज करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो वो सीड में उससे जो प्रोजेनी बनेंगे उसमें क्या होगा, सेग्रीगेट हो सकते हैं, मियोसिस होगा, कैरेक्टर्स सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर, फिर वो हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर सकता है। तो प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, उसके वजह से जो भी हाइब्रिड सीड्स है वो प्रोड्यूस करना कॉस्टली है, एंड हिज द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। इसकी वजह से फार्मर वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, फार्मर को वो हाइब्रिड सीड हर साल परचेस करना मार्केट से। सो इफ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू द एपोमिक्टिक,
तो ये जो हैबिट सीड एक बार बन गए जिसमें लार्ज प्रोडक्टिविटी है और सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, वो फिर हैबिट सीड को यदि हम एपोमिक्टिकली बनाएंगे मतलब उसका प्रोडक्शन करेंगे तो देर इज अ नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द हैब्रिड प्रोजेनी। तो उससे जो सीड से जो भी प्रोजेनी बनेंगी उसमें क्या हो सकता है, कैरेक्टर्स नहीं सेग्रीगेट हो सकते, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा तो डिजायरेबल कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। तो ये एपोमिक्सिस का क्या है इम्पोर्टेंट मतलब उसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एपोमिक्सिस में जेनेटिक वेरिएशन नहीं रहता है तो जो भी कैरेक्टर्स है वो मेंटेन रहते हैं थ्रू आउट दी और फॉर द इनडिफिनाइट पीरियड के लिए। देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज अ न्यू क्रॉप इवन क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड डज नॉट हैव टू बाय द हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। तो हर बार उसको हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हाइब्रिड सीड को यूज कर सकता है न्यू क्रॉप एवरी ईयर आफ्टर ईयर। जो भी हाइब्रिड सीड्स रहेंगे उससे जो भी न्यू प्लांट्स बनेगा, जो प्रोजनी रहेंगे वो प्रोजनी को आने वाले जो सीड्स रहेंगे वो सीड्स वो फिर जनरेशन टू जनरेशन यूज कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री द एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरी अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ द एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर द एपोमिटिक जीन इनटू द हाइब्रिड वैरायटी। तो ये जो भी एपोमिक्टिकली हम सीड्स बनाते हैं मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो जीन्स यदि हम उसमें ट्रांसफर कर दें सीड्स के अंदर तो वो जीन्स एक्टिव एक्टिवेट रहेंगे और फिर उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्टली जो भी न्यूसेलस सेल्स है वो न्यूसेलस सेल डायरेक्टली डेवलप होंगे इनटू द एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल से एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो सीड में डेवलप होगा। तो इस तरीके से मतलब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि एपोमेटिकली यदि हम सीड्स बनाएंगे वो सीड्स यदि हाइब्रिड रहेंगे सारे कैरेक्टर्स मेंटेन रह सकते हैं, इकोनॉमिकली भी फिजिबल है और प्रोसेस जो है वो भी फास्ट होगी, ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा अभी एक्टिव रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एपोमिक्सिस। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो अभी पॉली मतलब मोर देन वन, यदि सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनिक। तो ये जो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है ऑब्जर्व इन द साइट्रस एंड ओपुंचिया, साइट्रस एंड ओपुंचिया में जनरली पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन ऑब्जर्व होती है। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूसेलस सेल्स है न्यूसेलस सेल्स के अंदर जो एमएमसी सेल है मेगास्पोर मदर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेल, मतलब ये है हमारा न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर ये सेल्स होते हैं, वन सेल जो है वन सेल इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक, है ना, एम्ब्रियो सैक में वो डेवलप होता है। तो एमएमसी सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग में जो एमएमसी सेल्स है न्यूसेलस के अंदर स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूडिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो वो एक एक जो न्यूसेलस के अंदर के जो एमएमसी है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करेंगे, अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, प्रोट्रूड मतलब अंदर की तरफ घुसेंगे एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सैक तो एक बन गया है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली न्यूसेलस के अंदर का एक एमएमसी सेल डेवलप होगा इनटू द एम्ब्रियो सैक, फिर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर मोर देन वन सेल न्यू एमएमसी सेल क्या होंगे, प्रोट्रूड होंगे, अंदर की तरफ आएंगे और डेवलप होंगे इनटू द एम्ब्रियो। तो एक नहीं है, एक से ज्यादा एमएमसी इन्वॉल्व हो रहे हैं इनटू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो एक एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर एक से ज्यादा फिर क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, क्योंकि जो ये एम्ब्रियो सैक है जनरली ये एम्ब्रियो सैक किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है ना, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो जो सैक है ये क्या है, डिप्लॉइड है, किससे बना है, ये वन ऑफ द एमएमसी सेल ऑफ द न्यूसेलस के एमएमसी सेल से एम्ब्रियो सैक बना, फिर वह एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो। अभी यहाँ पे एक से ज्यादा सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड होंगे, अंदर घुसेंगे और वो एम्ब्रियो में डेवलप होंगे। तो एक से ज्यादा सेल से तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे एंड इन सच स्पीसीज इच ओवल, एक ओवल के अंदर, ये सारा ओवल के अंदर चल रहा है,
जो भी ये प्रोसेसेस है ये सारे ओवल के अंदर चलेंगे। तो एक ओवल के अंदर ईच ओवल कंटेन द मेनी एम्ब्रियो, एक ओवल के अंदर एक से ज्यादा क्या है एम्ब्रियो है। तो ये जो सीड है ये जो ओवल है, ओवल इज डेवलप इनटू द ओवल, किस में जाएगा ओवल जाएगा सीड में, ओवल डेवलप होगा इनटू सीड, ठीक है ओवल डेवलप होगा इनटू सीड, और ओवल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो इसलिए ये सीड के अंदर क्या होगा फिर मोर देन वन एम्ब्रियो, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनिक। ऑकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, सीड के अंदर मतलब ओवल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, ओवल इज डेवलप इनटू द सीड, तो सीड के अंदर फिर एक से ज्यादा क्या रहेगा एम्ब्रियो कंडीशन रहेगी, इसलिए उसको पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। The occurrence of more than one embryo in seed is referred as polyembryonic condition or polyembryonic. Poly more than one. एक से ज्यादा embryo is developed from the MMC of the nucellar cell and that embryo is protruded inside the embryo sac. और फिर वो ओवल बन डेवलप होगा into the seed and that's why that seed contain the more than one embryo and that condition is known as polyembryonic, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एपोगैमी मतलब, एपो मतलब क्या होता है विदाउट, गैमी गैमी मीन्स गमेटोफाइट, स्पोरो मीन्स स्पोरोफाइट, ठीक है स्पोरोफाइट और गैमी मीन्स गमेटोफाइट। अभी इसको अच्छे से समझ लो, एपोगैमी एपोगैमी गमेटोफाइट। अभी जैसे ही टर्मिनोलॉजी आती है एपोगैमी तो उसमें गमेटोफाइट गमेटोफाइट को पकड़ लो, तो गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को बनाना। अभी गमेटोफाइट कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को बनाना, लेकिन अभी गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट रहते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। तो गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उनके बीच में फ्यूजन होना चाहिए। यदि गमेटोफाइट का फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एपो बोला है एपो मतलब विदाउट, विदाउट फ्यूजन और विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें स्पोरोफाइट को बनाना है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोगैमी। एपोगैमी गैमेटोफाइट को पकड़ो, फ्रॉम गमेटोफाइट स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, किससे एपोगैमी गमेटोफाइट से, एपोगैमी गमेटोफाइट से गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को बनाना, लेकिन विदाउट अंडरगोइंग द फर्टिलाइजेशन और विदाउट फ्यूजन ऑफ द गमेट्स, गमेट का फ्यूजन ना होते हुए गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट को बनाना। तो अभी गमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो उससे जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी क्या रहेगा हैप्लॉइड रहेगा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोगैमी। इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, मतलब स्पोरोफाइट को बनाना फ्रॉम द गमेटोफाइट। तो गमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो उससे जो भी स्पोरोफाइट बनेगा वो भी हैप्लॉइड रहेगा, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड है मतलब इनके बीच में फ्यूजन हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो एपोस्पोरी, एपोस्पोरी मैंने बोला था स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट बनाना। अभी स्पोरोफाइट कैसे होता है डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड से यदि गमेटोफाइट बना तो वो भी कैसे रहेगा डिप्लॉइड रहेगा, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट बनाना तो इसमें मियोसिस नहीं हुआ होगा, इसीलिए स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गमेटोफाइट बना। आपको मतलब विदाउट, विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस, मियोसिस में न जाते हुए डायरेक्ट स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोस्पोरी। ये जो टर्मिनोलॉजी एपोगैमी गैमेटो गैमी को पकड़ लो, गमेटोफाइट से बनाना है स्पोरोफाइट, एपोस्पोरी स्पोरो को पकड़ो स्पोरोफाइट से बनाना है गमेटोफाइट, तो स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट यदि बनाना है तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है तो वो मियोसिस में नहीं गया होगा, इसलिए उससे जो गमेटोफाइट बना वो भी डिप्लॉइड रहा। एपोस्पोरी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द गमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस, मियोसिस में नहीं गया, क्योंकि हमने देखा था एपोस्पोरी में क्या एग्जाम्पल देखा था न्यूसेलस सेल्स डायरेक्टली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक, डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में डेवलप हुआ था विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस, मियोसिस में नहीं गया था इसलिए उसको एपोस्पोरी बोला था। एमएमसी से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना तो उसको हमने डिप्लोस्पोरी बोला था।
तो एपो मतलब विदाउट, इधर एपोगैमी में विदाउट अंडरगोइंग द फर्टिलाइजेशन, एपोस्पोरी में विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस, डिप्लॉइड एग, डिप्लॉइड एग इज फॉर्म, डिप्लॉइड इज किससे बनता है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से, विच इज टर्न इन आइदर फ्रॉम द डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसको हमने एपोस्पोरी बोला था, और डिप्लॉइड एमएमसी से होगा तो उसको हमने डिप्लोस्पोरी बोला था। मतलब जो डिप्लॉइड एग है, जनरली एग कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है। अभी डिप्लॉइड एग बोला मतलब वो जो एग होगा वो डायरेक्टली न्यूसेलस सेल से बना होगा, न्यूसेलस सेल से बना होगा वो डिप्लॉइड एग को हम एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली न्यूसेलस सेल से बना होगा तो उसको एपोस्पोरी बोलेंगे, एमएमसी से बना होगा तो डिप्लोस्पोरी बनेंगे, इसीलिए डिप्लॉइड एग बोला। नहीं तो एग जनरली कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये मियोसिस में नहीं गया इसलिए उसको हमने डिप्लॉइड एग बोला। अगैमोस्पर्मी मतलब अ मतलब विदाउट, गैमस मतलब मैरिज, स्पर्म स्पर्म स्पर्मिया मीन्स सीड, स्पर्मिया मीन्स होता है सीड, मतलब सीड का प्रोडक्शन विदाउट मैरिज और विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हम एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमेट और विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स को बनाना, उसको बोलते हैं अगैमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस। समझ में आया टर्मिनोलॉजी? देखो एपोस्पोरी, एपोगैमी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपोगैमी वर्ड आया, एपोगैमी गैमी, गैमी को पकड़ लो, गमेटोफाइट से बनाना है स्पोरोफाइट को, गमेटोफाइट ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा इसलिए गमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोफाइट बन गया, ठीक है, तो विदाउट अंडरगोइंग द फर्टिलाइजेशन, एपोस्पोरी डायरेक्ट स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट को पकड़ लो, स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट को बनाना है विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ऊपर के इसमें, सेकंड इसमें मियोसिस नहीं हुआ है तो डायरेक्टली फिर उससे हमारे एम्ब्रियो सैक्स बन गए, और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड एग इज द प्रोडक्ट ऑफ एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी, और अगैमोस्पोरी मतलब विदाउट मैरिज सीड को बनाना, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड को बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अगैमोस्पर्मी एंड इज ऑल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। अभी एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कार्पेल मतलब क्या, कार्पेल को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, स्टेमन्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, तो कार्पेल इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, और स्टेमन्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, इसको बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पे कंफ्यूजन होता है और आपके मार्क्स चले जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेगास्पोरोफिल, कार्पेल पिस्टिल, ठीक है, इसको कार्पेल भी बोलेंगे, पिस्टिल भी बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल भी बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलेंगे, स्टेमन्स माइक्रोस्पोरोफिल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद ओवुल, ओवुल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, ओवुल इज अ मेगास्पोरेंजियम, और इसको ही मेगास्पोरेंजियम को न्यूसेलस भी बोलेंगे, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एक सेकंड, न्यूसेलस, ओवल, ओवल के अंदर, ओवल को बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस मेगास्पोरेंजियम, और अंतर इसको पोलन सैक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो नोन एज न्यूसेलस और ओवल, जिसके अंदर बनते हैं हमारे फीमेल गमेटोफाइट, जिसके अंदर गमेटोफाइट बनेंगे वो जो सैक होता है वो सैक को इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे पोलन सैक के अंदर मेल गमेटोफाइट पोलन ग्रेन बन रहा है, ठीक है, मेल गमेटोफाइट पोलन ग्रेन बन रहा है, और ओवल के अंदर जो न्यूसेलस है उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, तो मेगास्पोरेंजियम ओवल को भी बोलेंगे और न्यूसेलस को भी बोलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओवल और न्यूसेलस इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। अभी जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गमेटोफाइट एंड विच इज अ सेवन सेल एट न्यूक्लिएटेड स्टेट, और एग है फीमेल गमेट। उसके बाद एंथर, पोलन सैक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर बोलेंगे बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ग्रेन और पोलन विद पोलन ट्यूब इज नोन एज मेल गमेटोफाइट। अभी ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज भी होंगे और थ्री सेल स्टेज भी होंगे, टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन होता है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल इज नोन एज मेल गमेटोफाइट, उसको क्या बोलते हैं, मेल गमेटोफाइट, देखो इसको बोलेंगे मेल गमेटोफाइट, पोलन ग्रेन को बोलेंगे मेल गमेटोफाइट,
नॉट उसको गमिट्स नहीं बोलेंगे, पोलर ग्रेन इज नॉट नोन एज मेल गमिट्स, उसको मेल गमिट्स नहीं बोलते, मेल गमिट ये पोलर ग्रेन के अंदर होते हैं, तो पोलर ग्रेन इज नोन एज मेल गमिटोफाइट विच कंटेन द टू मेल गमिट्स। ठीक है, जैसे एम्ब्रियो सैक इज नोन एज, एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं, फीमेल गमिटोफाइट, एम्ब्रियो सैक को बोलेंगे फीमेल गमिटोफाइट विच इज अ सेवन सेल एग न्यूक्लिएटेड, एंड पोलर ग्रेन इज द मेल गमिटोफाइट विच मे बी टू सेल स्टेज और थ्री सेल स्टेज, वो दो सेल स्टेज का भी हो सकता है, थ्री सेल स्टेज का भी हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ओवूल न्यूसिलस इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, पोलन सैक इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, कार्पेल इज नोन एज मेगास्पोरोफिल एंड स्टेमन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से लिख लो, समझ लो, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म होता है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। थैंक यू।